हनुमान जी के जीवित होने के ये सबूत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जय श्री राम मित्रों, रामायण में ये लिखा हुआ है, माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था और यह भी वरदान दिया था कि एक ही समय पर अनेकों जगह पर उपस्थित रह सकते हैं। इसलिए मित्रों, जहाँ जहाँ धरती पर राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए राम कथा में एक आसन खाली रखा जाता है। आज हम ऐसे सबूत लेकर आए हैं जिससे 100% ये साबित हो जाएगा कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और धरती पर विचरण करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सात महामानव पिछले कई हजार वर्षों से आज भी जीवित हैं, उनमें से ही एक हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी इस धरती पर कलयुग के अंत तक रहेंगे। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। इन सातों महामानवों ने समय समय पर अपने धरती पर होने के सबूत दिए हैं। एक और जहां अश्वत्थामा के कुछ जगह पर आने और उन्हें देखे जाने की चर्चा है, तो कुछ जगह पर हनुमान जी भी कुछ लोगों को नजर आए हैं। इसी तरह परशुराम और विभीषण को भी देखे जाने का लोग दावा करते हैं। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के सोदा अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बताया था। इसके बाद अब वे 2055 में फिर से मिलने आएंगे। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी ने पुनः समुद्र लाकर श्रीलंका के जंगलों में निवास करने आ गए थे। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिदेरु पर्वत में रहने वाले कुछ मतंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि वे प्रत्येक 41 साल बाद तुमसे मिलने आऊँगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मतंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मतंगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है, उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। और वो मंत्र इस प्रकार है, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिसनु निर्मुक्तरे कालत्वम अमृतसनु। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मतंग लोगों का समाज कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस समूह का कहीं ना कहीं यहां से संबंध हो सकता है। श्रीलंका के पिदेरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मतंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफ़ी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से जो उन्हें जानकारी मिली, उसे जानकर वे हैरान रह गए। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मतंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है।
जिसके बारे में पिछले साल ही पता चला है। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। इन मतंगों की यह गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मतंगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊंगा और आत्मज्ञान दूंगा। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किया गया हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मतंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी इसी पुस्तिका में नोट किया गया। सेतु संगठन अभी तक इस हनु पुस्तिका का बस 3 अध्याय ही समझ पाई है, जो कि पहला अध्याय इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्होंने हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा। सेतु के अनुसार हनुमान जी ने मतंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई और दूसरे अध्याय के अनुसार मतंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटी। तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमयी माना जाता है। पूर्व के दिए गए मंत्र का अर्थ और उसके संबंध में विस्तार से इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में समय की अवधारणा का भी समझाया गया है। जैसे कि जब हम लोग मनुष्य समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है। हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचता है तो उन्हें समय के धागों यानी कि तंतुओं का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक भर ही है। हिंदू काल गणना के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन ही होता है। तो ये थे हनुमान जी के धरती पे होने के सबूत। अगर आप लोग के जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।